ये अभी ये कंट्रोलर ठीक हो गया, पहले इसमें वो था, मैंने अपने रिक्शे का मोटर लगाया था, नहीं चला था। देखिए ये देखिए बिल्कुल सही चल रहा है। एक एक रोक के रखो स्पीड में बस, ठीक है। तो अभी इसमें क्या हो रहा था कि जो रिक्शे वाला मोटर है उस पर मैं लगा रहा था तो झटका ले रहा था। मॉस्फेट खराब है, गर्म हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और आज मैं मॉस्फेट चेक करने के लिए बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मॉस्फेट जो लेता हूँ सर वो कई बार खराब हो जाता है, खराब होने के भी कारण होता है। मॉस्फेट मैं यहाँ से चेक करके देता हूँ, अगर मैं नहीं भी चेक किया हूँ तो मैं दूसरे लड़कियों से चेक करा के ही देता हूँ, बिना चेक किए कराए, बिना चेक किए कोई भी नहीं देता हूँ। वो अलग बात है कि कोई कोई मिक्स होकर चला जाता है, लेकिन अब इसमें चेक करने के बाद भी आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से मुझे लगाना है। देखिए मैं आपको अलग अलग तरीके के दिखाता हूँ, ये सारे मॉस्फेट चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पे मैं ये अलग और ये अलग और ये अलग रखा हूँ। ये तीनों मॉस्फेट ठीक है लेकिन कंडीशन तीनों का अलग अलग है, मतलब तीनों एक जगह मिक्स होके नहीं लग सकता। ये इसके साथ नहीं लगेगा, ये इसके साथ नहीं लगेगा, ये इसके साथ नहीं लगेगा, मतलब तीनों अलग अलग है वैल्यू के, अलग अलग वैल्यू के। मॉस्फेट एक ही है, नंबर एक ही है, वैल्यू अलग अलग है। तो उससे आपको इसको मिलाकर लगाना है। वो कैसे, मान लीजिए किसी का वैल्यू आता है 457, माने 457, अगर आ रहा है वैल्यू, और दूसरे में आ रहा है 465, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू जो आ रहा है। अगर 65 का है तो 65 में लगाना है, और 57 का है तो 57 में लगाना है। वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये इसमें से देखिए दिख रहा है। देखिए ये मैंने चेक किया कितना है, 464 ए वाला है। ये देखिए चेक किया हूँ कितना है, 457 ये वाला है। ये मैंने चेक किया 452, ये अलग मॉड नंबर आ गया, इसको मैं यहाँ रखता हूँ। ये वाला चेक कर रहे हैं कितना आया, 464 ये वाला है। ये देखिए कितना आया, 52 ये वाला है। ये देखिए ये जो चेक कर रहे हैं 64, ये जो चेक कर रहे हैं 57 ये वाला। तो अब जो है अगर मैं अपने चार्जर पे लगाता हूँ, मैं आप लोग को सभी को बता रहा हूँ जो कोर्स करके गए हैं, वो भी जो कहीं और से कोर्स कर रहे हैं उनको भी ये वैसे दिक्कत आ रही है, जो हमसे पूछते हैं कि बार बार मॉस्फेट उड़ जाता है, तो ये कह देते हैं कि ये शायद ये 47 से 60 है इसलिए नहीं चला। आपका कंडीशन लगाने का भी तरीका ठीक नहीं होगा तो भी खराब हो जाएगा। आप उसमें कूलिंग पेस्ट, इसमें कूलिंग पेस्ट जो जो मैं बेचता हूँ वो कूलिंग पेस्ट अच्छी तरह से लगाइए। उसके बाद लगाने से पहले आपके पास जितने भी मॉस्फेट मैंने भेजा हूँ उस मॉस्फेट में देखना है कि 57 57 का दोनों होना चाहिए। अब देखिए 57 57 होने से फायदा क्या होगा, देखिए अभी हम ड्रेन और सोर्स में चेक कर रहे हैं कितना आया, 455 है ना। अब कितना है, 457, ये 457 इधर रख दिया, और ये 456 ये दोनों इधर रख दिया। अब इसके जो हमने सोर्स है, मतलब ये सोर्स और ड्रेन मैंने चेक कर रहा हूँ, और गेट में टच किया, गेट में टच किया, अब इसे मैं दोबारा टच किया 156 आया, ये 156 है। ठीक उसी तरह से ये जो 457 था वो, ये देखिए ये जो 457 है, अब गेट में टच किया, गेट में टच करने के बाद इधर का वैल्यू 184 आ रहा है। तो ये 184 और ये वाला जो है गेट में टच करने के बाद 156, ये 156 है, ये दोनों अलग अलग दिखा रहा है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये एक जगह दोनों नहीं चलेगा, ठीक है। अब ये मैंने 564 में चेक कर रहे हैं, ये कितना है 565, इसका गेट में टच किए कितना आया 190 का ये है, ठीक है। अब ये जो है मैंने इसको चेक किया 545463, गेट में टच किया, गेट में टच करने के बाद कितना आया 209,
है ना, फिर से मैंने करेंगे इसको 463 गेट में टच किए 203 है ना 203 इसमें कितना आया था 190 इसमें टच किए इधर से टच किए एक मिनट इसमें टच किए इसमें टच किए 192 तो ये कंडीशन आपको देखना पड़ेगा कि 192 और ये 203 ये दोनों एक तरीके से होना चाहिए, अगर एक तरीके नहीं होगा तो नहीं चलेगा। आप इस माइंड को रख के लगाएंगे, ऐसा नहीं कि मॉस्फेट लिया और देख लिया उठाया और लगा दिया ये खराब हो जाएगा, आप उसके जिम्मेवार हैं। मैंने आपको जो समझा रहा हूँ बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि मॉस्फेट को चेक करेंगे, उसकी शॉर्टिंग चेक करेंगे कितना है 459 मैंने गेट में टच किया, उसके बाद फिर से मैं सोर्स में ले गया 182 तो इसके साथ भी दूसरा जो मॉस्फेट होगा वो भी 182 के करीब होना चाहिए तभी वो मैच होकर बराबर स्विचिंग करेगा, नहीं तो 19-20 होने से मॉस्फेट खराब हो जाता है। इस बात को माइंड में रख के आपको लगाना है। अब ये जो है इसको मैंने टच किया ये 157 आ रहा है तो ये दोनों एक जगह नहीं लगेगा, जो 157 आ रहा है और जो वो आ रहा है 192 ये दोनों एक जगह नहीं लगा सकते। अगर ये दोनों एक जगह लगाएंगे तो थोड़े दिन बाद ये एक बार स्विचिंग जो करने का तरीका इसका अलग है, इसका स्विचिंग करने का तरीका अलग है, तो दोनों कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा, एक खराब होगा तो दोनों को खराब कर देगा। तो इस बात को आपको माइंड में रखना है। मुझे मॉस्फेट के बारे में बताना था कि कईयों लोग सीख के जाते हैं और कहीं से और भी सीखे, वो भी ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मॉस्फेट लगा रहा हूँ तो जल्दी खराब हो जाए। जल्दी खराब होने के कारण ये है, अगर आप इस तरह से चेक करके लगाएंगे। अब आप कहेंगे कि आप ही खुद क्यों नहीं चेक करके देते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ये 2000 पीस जो मॉस्फेट है मैं इसको ज़्यादा देर नहीं चेक कर सकता हूँ, और जिससे मैं चेक कराता हूँ वो ऐसे चेक करते हैं। ये देखिए ऐसे उठाया, ऐसे उठाया, ये देखिए ऐसे, ये ठीक है, ये उठाया, ये ठीक है, ये उठाया, ये ठीक है, इस तरह से चेक होता है। ड्रेन टू सोर्स, हाँ बस ड्रेन टू सोर्स चेक होता है, गेट का चेक नहीं हो पाता है। और चेक करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ आप चेक कीजिए, क्योंकि आप दूसरे के भरोसे मत रहिए, आप चेक कीजिए। 100 में से एक में खराबी आ जाती है उसका कोई मान्य नहीं है, 100 में से 10 खराब होते हैं तो मान्य है, वो एक पीस चलता है, वो हम चाह के भी ठीक नहीं कर सकते। अगर मैं देख भी लिया अच्छी तरह से तो भी एक पीस खराब होना ही होना है, उससे कुछ नहीं होता है। तो आपको इस तरह से मॉस्फेट चेक करना है। मेरा मॉस्फेट चेक करने के लिए बताना था आपको कि जो मॉस्फेट खरीद रहे हैं वो कई लोग कहते हैं कि ये 47-60 जल्दी खराब हो जाता है, वो इसका कारण ये है। आप ठीक समझदार हैं तो आप इस तरह से निकालेंगे आपका मॉस्फेट बिल्कुल सही चलता है। और जो इस मॉस्फेट को नंबर मिटा कर देता है और बोलता है कि एक्यूरेट चल देगा, बिल्कुल अल्टरनेटिव है, ऐसा कुछ नहीं। मैं अगर आधे पीस को अभी नंबर मिटा दूं और ठीक इसी तरह से जैसे मैंने चेक करने के लिए बताया हूं वैसे चेक करके दे दूं तो ये भी खराब नहीं होगा, फिर आपको पता चलेगा कि अल्टरनेटिव था या यही 47-60 था। नंबर मिटाने का काम वो करते हैं जिनको किसी से कुछ छुपाना हो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं एक तरह का टीचर हूं, धोखेबाज नहीं हूं, मैं खुल के नंबर बता के देता हूँ, बेचता हूँ। 47-60 है ये ओरिजिनल जो इन्वर्टर से निकल के आता है, ये कोई चार्जर से नहीं आ रहा, ये इन्वर्टर से निकल के आ रहा है, वो मॉस्फेट है और ये मैं बेचता हूँ। अभी फिलहाल 50 रुपए का बेच रहा हूँ, आगे का क्या रेट होगा, हो सकता है बढ़ सकता है, हो सकता है घट सकता है, क्योंकि इसकी मांग बहुत ज्यादा होगी। तो मेरा बस सिर्फ बताना था जिस मॉस्फेट को लगाएंगे उसका ड्रेन टू सोर्स और ड्रेन टू गेट और गेट टू सोर्स दोनों तीनों मिलाकर बराबर होना चाहिए, ये चीज आपको करके देखना है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। और मैं दूसरा बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप इस लाइन पे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के लिए मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा चीज, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ खरीदना हो तो मेरे चैनल पे जो मोबाइल नंबर चल रहा है उस मोबाइल नंबर पे कॉल करके मुझसे सारे चीज़ पूछ सकते हैं। और मैग्नेट रिचार्ज करने के लिए जो मैंने अभी नया शुरू किया हूँ, मैग्नेट रिचार्ज करा सकते हैं। मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक रिक्शा में जो मैग्नेट लगे होते हैं मोटर में, उसके मोटर रिचार्ज 100% ओके है करके मैंने ट्रायल करके दिखा हूँ। और मैं ये खुद करता हूँ, बहुत ही सस्ता, पहले महंगा था अभी सस्ता है, एक बार करके दिखाइए।
एक बार ट्रायल कीजिए, 100% ओके रहे। तो मेरा बस यही बताना था वीडियो में कि आप मॉस्फेट चेक करके लगाइए। थैंक यू दोस्तों।